नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉनिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग आप लगभग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। ये जो टॉनिक है ये मल्टीप्लेक्स कंपनी का है। मल्टीप्लेक्स फार्मर जो कंपनी है एक जानी मानी कंपनी है और इस प्रोडक्ट का नाम है समरस। ये समरस के नाम से टॉनिक मिलता है मार्केट में। इसमें लगभग 17 से 18 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो आपकी फसल में सभी प्रकार के अमीनो एसिड की पूर्ति करता है, जिसके कारण आपकी फसल में अच्छा उत्पादन होता है। समरस एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है जिससे आपकी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ यदि फसल में फूल झड़ रहे हों, फल ना बन रहे हों, फलों का आकार छोटा हो, तो उस दशा में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपनी फसल में इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो फसल है उसमें फूल नहीं झड़ेंगे, फल बनना प्रारंभ हो जाएंगे, साथ ही साथ फलों का जो आकार है वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। तो इसमें 17 प्रकार के जो अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल होते हैं। साथ ही साथ ये फूलों के झड़ने तथा फलों के गिरने को कम करता है, फूल तथा फल की संख्या को बढ़ाता है, फसलों में पीलापन को समाप्त करता है, फसल को हरा भरा बनाता है तथा सूखे तथा ठंडे की दशा में उन्हें अधिक सहनशीलता प्रदान करता है। इस प्रकार यह फसल में उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 2 ml per liter पानी में सॉल्यूशन बनाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 15 लीटर पानी में 30 ml समरस को डालकर आप अपनी फसल में अगर स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आप इसमें देख सकते हैं कौन से जो अमीनो एसिड हैं वो किस किस प्रकार के अमीनो एसिड हैं वो इसमें दिए गए हैं। यदि आप इसका प्रयोग अपनी फसल में करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार अपनी फसल में इसका प्रयोग करके ज़रूर देखें। ये किसी विशेष कंपनी के प्रचार नहीं है, बस ये है कि आपको समरस के बारे में जो जानकारी है या फिर आप ये चाहते हैं कि कौन सा वो टॉनिक है जिसके द्वारा फसल में फूल का झड़ना रोक सकते हैं या फलों का झड़ना रोक सकते हैं, तो बस उसके लिए है। आप इसका कौन कौन सी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं तो ये बता देना चाहता हूँ। आप इसका उड़द, मूंग, अरहर, चना, मटर, टमाटर, मिर्च, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, साथ ही साथ अन्य प्रकार की जो फसलें हैं उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको उच्च उत्पादन प्राप्त होगा। धन्यवाद।